उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां हुसैन नाम के दुकानदार ने चॉकलेट खरीदने गई 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हुसैन ने पहले तो बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर बुलाया, फिर अपनी हवस को बुझाने के लिए बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर डाली। छह साल की मासूम के साथ दरिंदगी का ये मामला मुजफ्फरनगर जिले के खालापार थाना क्षेत्र का है, जहां एक 6 साल की बच्ची घर के पास की दुकान में चॉकलेट खरीदने गई थी। इसी दौरान अधेड़ उम्र के हुसैन नाम के दुकानदार ने पहले तो बच्ची को अंदर बुलाया और फिर बच्ची के साथ बातें करने लगा और फिर बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा। मासूम बच्ची ने देखा तो उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो घबरा गई और चीखने लगी, जिसके बाद आरोपी डर के मारे वहां से भाग गया। मासूम बच्ची घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई आपबीती अपनी माँ को बताई, जिससे सुन माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के परिजन तुरंत थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और सीधे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दुकान में पहुंच गई, मगर जब तक पुलिस पहुंची तब तक आरोपी हुसैन फरार हो चुका था। पुलिस ने तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की और चंद घंटों बाद ही हैवान हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। आज थाना खालापार में यह सूचना प्राप्त हुई कि गुलर वाली गली में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मासूम बच्ची के परिजनों का आरोप है कि हुसैन पहले भी कई बच्चियों से ऐसी गंदी हरकत कर चुका है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बच्ची ने बताया जिनको मैं ऐसे मैं गई तो रोती हुई बच्ची, उसने कहा कि ऐसे ऐसे क्या, हाँ जी जी जी, पुलिस ने तहरीर दी है, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने तहरीर हमने दी और पुलिस ने कार्रवाई करी, उन्हें उसे गिरफ्तार किया। क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहे हैं और क्या, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हुसैन का रिकॉर्ड भी गंदा है पहले। हाँ, पहले से रिकॉर्ड गंदा है। पहला मामला नहीं है उसका, ये बहुत क्या। हाँ, पहले भी मोहल्ले में कई हैं इसके मामले इस तरीके के ही। जी, लड़के के साथ घटना की। जी 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 जी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।